हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज गुड टू बेस्ट से बनने की जर्नी में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जो कि है फेशियल हेयर। आई नो बहुत सारी लेडीज़ इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, और इसका सॉल्यूशन ट्रस्ट में पाना बहुत ही मुश्किल है। बट जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। चलिए तो आज हम बात करते हैं फेशियल हेयर की। देखिए, ये प्रॉब्लम आई थिंक आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो गई है सब लोगों को। ऑलमोस्ट लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है ही है। इसका एक्सटेंट कम ज़्यादा हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा है, किसी को थोड़ा है, बट ये प्रॉब्लम है। मुझे भी ये प्रॉब्लम है। अब इसके रीज़न देखो बहुत होते हैं, हॉर्मोनल होते हैं, PCOD, PCOS, हम लेडीज़ ये सब जानती हैं। इनकी वजह से हमारा आजकल लाइफस्टाइल, खाना पीना, ये सब की वजह से हमारे हॉर्मोन्स आजकल बिगड़े हुए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत कॉमन है। ठीक है, अब क्या आता है इसके साथ, फेशियल हेयर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, इनको रिमूव करना। या तो आप पार्लर में जाके वो वैक्स आती हैं, वो वैक्स कराओ, वो भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं। अच्छा इन द सेंस कि मैंने भी वो कराया हुआ है पहले, बट पार्लर जाना, वो कराना, और क्या होता है देखो, हमारा फेस की स्किन ना बहुत डेलिकेट होती है। पार्लर वाली, मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, उनके लिए हम एक कस्टमर हैं, ठीक है, उनके लिए उनको हमें एक टाइम देना है। तो वो क्या करती थी, जो दीदी वहाँ पे थी, वो लगाया उन्होंने, फटाफट वैक्स किया, और जब मैं घर आती थी ना, मेरे पूरे फेस पे दाने हो जाते थे, क्योंकि वो उनको वो वाली नहीं है कि हाँ हमारी स्किन करते हैं वो केयर, बट स्टिल वो वाली केयर नहीं करेंगे जो हम अपनी स्किन की करते हैं। उसके बाद एक सॉल्यूशन आता है कि या तो आप रेजर यूज़ करो। ट्रस्ट मी, आज के टाइम में लोग बोलते हैं करो, बट मैं खुद बहुत डरती हूँ रेजर यूज़ करने से। मैंने कभी नहीं रेजर यूज़ किया है फेस पे। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन एक हमारे पास बचता है, थ्रेडिंग का, जो कि पेनफुल है। मुंह पे करवाना, फेस पे कराना, वो पेनफुल है। अब आते हैं, देन मशीन्स आती हैं, एपिलेटर्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, मैं इतना अच्छा सॉल्यूशन आपको बताऊंगी ना, जो मैं खुद सालों से यूज़ कर रही हूँ, जो कि आप लोग सुन के भी, कुछ लोगों को शायद जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, बट स्टिल कई लोगों को नहीं पता होगा कि वो ये कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन है ये वीट की वैक्स स्ट्रिप्स हैं जो आती हैं, बहुत उसमें आते हैं। ये ड्राई स्किन के लिए आती है, देन सेंसिटिव स्किन के लिए आती है, नॉर्मल स्किन के लिए आती है, ऑयली स्किन के लिए आती है, ये बहुत सारे वेरिएंट्स में आता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये एक बॉक्स लेके रखती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, ये बॉक्स ना मेरा साल दो साल चल जाता है इजीली। ठीक है, अब इस टाइप के बॉक्स में जो है, पहले इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये वीट का जो बॉक्स है, इसमें 20 स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, और इसका प्राइस अराउंड 200 समथिंग आता है। ठीक है, लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ले लेना वहां से। ठीक है, तो ये मैं एक बॉक्स लेती हूँ ना, ये मेरा बॉक्स कम से कम दो साल तो चली जाता है, क्योंकि फेस देखो आपको कितना यूज करना पड़ता है। मैं बाकी जगह ये यूज नहीं करती हूँ, मैं रेजर हैंड्स पे और लेग्स पे मैं रेजर यूज कर लेती हूँ, बट फेस पे मैं नहीं करती हूँ। तो ये एक बॉक्स मेरा दो साल आराम से चल जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर हम बात करें, ये इस टाइप के देखो स्ट्रिप्स आते हैं, ये सारे उल्टे पुलटे, क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ ना, वो जल्दी से बॉक्स में डालो तो सब ऐसे हो जाते हैं, तो इस तरह से स्ट्रिप्स आते हैं। ठीक है, अब मेन बात आता है इसको, पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, कोई लोग सोचेंगे कि हाँ आप ये कैसे यूज़ करते हो। मैं आई थिंक, पता नहीं अब तो मुझे कितने साल हो गए हैं कि मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसको यूज़ करने से ट्रस्ट मी, ना तो मेरी कोई ग्रोथ बढ़ी है, इनफैक्ट ग्रोथ कम हुई है, ना जब मैं इसको यूज़ करती हूँ मेरे फेस पे कभी दाने होते हैं, क्योंकि जिस मेथड से मैं यूज़ करती हूँ ना, उससे दाने होंगे भी नहीं। दाने कब होते हैं, जब आपकी स्किन खिंचती है बहुत ज़्यादा, बट मैं जैसे यूज़ करूँगी ना, उसमें आपकी स्किन मिनिमम खिंचती है। तो ये आप ले लो, बॉक्स ले लो, दो साल के लिए सॉर्ट आउट है। पार्लर में जाते हो, इसी वैक्स की आपको एक ही सिटिंग में 500 से 1000 रुपये देने पड़ते हैं, बट ये 200 आपका दो साल चलता है। तो देखो अपना लगा के, हिसाब लगा के देखो कि आपको कितना सस्ता पड़ता है। और इसमें कोई, मैं कर रही हूँ ना, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप भी कर सकते हो। हाँ, जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है
वो एक बार थोड़ा सा पहले पतला स्ट्रिप करके देख लेना, फिर देखना आपकी स्किन पे वो कैसे रिएक्ट करता है, अदरवाइज ये चल जाता है। अब बात करते हैं कि मैं कैसे करती हूँ। देखो मेरा क्या है, मेरे ना फेस पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, है बट उतने ज़्यादा नहीं है मेरे फेस पे। तो यहाँ तो मैं ना कभी 6 महीने में एक बार ऐसे कभी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे इतने नहीं आते। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे यहाँ आते हैं, ये एरिया है, ये बहुत लेडीज़ का प्रॉब्लम है, चिन एरिया और ये नीचे। और मैं आपको बताती हूँ मेरा ये कैसे हुआ है। ये मेरी फर्स्ट जब डिलीवरी हुई थी ना, जब मेरा बड़ा बेटा वंशित हुआ था, ये प्रॉब्लम मुझे उसके होने के बाद स्टार्ट हुई। अब सडनली मेरी डिलीवरी के बाद पता नहीं कैसे मेरे यहाँ पे पैच आने लग गए हेयर का, ये पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गया और हॉरिबल था, देखना बहुत हॉरिबल है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो मैं पार्लर भागूं या कहीं भागूं, बट नहीं कर सकते आप। कई बार आपको सडनली जाना होता है कहीं पे, आप उस टाइम क्या पार्लर तो भागते नहीं हो, तो क्या करो। तो इसलिए घर पे ऐसे स्ट्रिप रखो, अगर सडनली आपको कहीं जाना भी पड़े तो ये हैंड ये फटाफट से एक स्ट्रिप निकालो, और आपका जो भी यहाँ पे स्पेशली बहुत सारी लेडीज का यही का प्रॉब्लम होता है, तो ये निकालना बहुत ईजी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको निकालना कैसे है। देखो ये हम पूरा स्ट्रिप नहीं यूज करते, मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप काट लेती हूँ इसके, इतने साइज के, ये देखो, बस इनको पतला पतला काट के मैं रख लेती हूँ। एक टाइम पे 2 या 3 स्ट्रिप्स ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं, तो इस टाइप से ये 2 स्ट्रिप्स मैंने अभी काट के रखे हैं। अब जब आपको हेयर रिमूव करने हैं तो आप क्या करोगे, पहले फेस को देखो, कोई भी चीज़ करते हो पहले फेस को क्लीन करो, सूखा रखो, और याद रखना फेस पे पसीना नहीं होना चाहिए, एसी लगा होना चाहिए तो आपका अच्छा होगा। ये ड्राई जितना होगा उतने अच्छे आपके हेयर निकलते हैं। थोड़ा सा हो सके तो टैल्कम पाउडर लेके अपने फेस पे या जिस भी एरिया में लगाना है वहाँ पे ये लगा दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट माइक में जरा यहाँ लगा दो। आपने ऐसा स्ट्रिप लिया, ठीक है, इसको क्या करना होता है, पहले थोड़ा सा रब करना होता है। मैंने हाथ में रखा और इसको ऐसे रब कर दिया। अब रब किया, अब देखो इसको, ये डबल स्ट्रिप्स होती हैं तो इसको खोलना पड़ता है। ये देखो ये ऐसे डबल स्ट्रिप है, इसको आप ऐसे खोलोगे, ये खोल दिया। इनको रखना केयरफुली क्योंकि ये चिपक जाते हैं कहीं पे भी, क्योंकि वैक्स होता है ना। अब आपने ये जैसे लिया, अब जैसे मेरे को यहाँ के हटाने हैं तो मैं पहले थोड़ा सा पाउडर इसमें लगा लूंगी ताकि ये इजीली निकल जाए। मैंने लिया थोड़ा सा पाउडर यूज किया, अब जहां भी रखना है ना, अच्छा ये ध्यान रखना लगाओ तो आप कैसे भी, जैसे ये है मैंने यहां रखा ऐसे, इसको अच्छे से प्रेस करो। खींचना आपने कहां से है, अपने बालों की ग्रोथ के ऑपोजिट से खींचना। फॉर एग्जांपल अगर आपके बाल ऐसे हैं तो आप इधर से खींचोगे, अगर आपके बाल ऐसे जा रहे हैं तो आप यहां से खींचोगे। अब मेरे जैसे यहां है ना, अब मैं इसको ऐसे खींचूंगी, तो अगर आप देख सकोगे तो दिखे, बस इतना इजी है। ऐसे रखा, जिधर भी ग्रोथ है उसके ऑपोजिट, ये देखो ठीक है, कितना इजी है निकालना। यहां रखा, एक्चुअली अभी ना मैंने वीडियो बनाने की वजह से एसी भी बंद किया है, तो जितना आपको ऑयल आता है ना उतना आपका मुश्किल होता है, जितना ड्राई रहेगा ना उतना अच्छा होगा। बस इस तरह से आप निकाल दोगे। मुझे एक्चुअली इतना ही, मेरे क्योंकि मेरे ना यही जगह पे आता है, और जब मुझे स्किन का करना होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे आपने काटा ना, देखो इतनी इतनी स्ट्रिप लेके ऐसे लगाना, बस पतली पतली, ठीक है। इतना एरिया करने से क्या होता है, अगर आप देखो जब पार्लर वाले करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने पतले स्ट्रिप लगाएं, तो वो बड़े बड़े लगाते। अब सोचो जब इतनी जगह से खींचोगे आपके इतने एरिया में झटका आएगा एकदम से, तो वो ज़्यादा बड़ा होगा ना। अब आपने इतना लिया, इसको ऐसे किया नीचे की तरफ, स्किन को ऐसे रखो और सडनली खींच दो तो आपकी स्किन में, और उसका हल्का सा ऐसे करो तो आपकी स्किन में इतना छोटा सा ही झटका लगेगा ना, तो वो आपकी स्किन को नुकसान नहीं करेगा। और कोशिश करो एक ही बार में निकल जाए, बस यहाँ के हो गए, फिर ऐसे करके रखते चले जाओ, इधर के निकालो, इधर के ऐसे,
फिर यहाँ के जब ऐसे निकालोगे तो इधर से खींचना, ठीक है, इस तरह से निकाल लेना। अच्छा, ये वाले आप साइड के ये भी निकाल सकते हो। मैं अभी आपको देखो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एसी वीडियो बनाने के लिए एसी बंद करना पड़ता है बहुत, और पसीने में ये नहीं होता। यहाँ लगा लो, और मैं ये सालों से करती आ रही हूँ यूज़, मेरी स्किन में अगर आप देख रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बस ये ध्यान रखना इतने पतले पतले तो आपसे ईजिली भी हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी, इतना अच्छा सॉल्यूशन है ना कि आप लिटरली मुझे थैंक्स बोलोगे। जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है फेशियल हेयर का, और उनको रिमूव करवाना। ये इतना अच्छा है, ये एक बस बॉक्स रख लो घर पे, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ले लो ये बॉक्स वेरिएंट ले लो, ठीक है। और उसके बाद बस याद रखना पूरा स्ट्रिप मत यूज़ करना, काटना बस ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट लो, और जिस भी एरिया में यूज़ करना है वहाँ पे रखो और लगा लो। कोई बालों की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है, कोई स्किन में प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना मेरे कभी दाने हुए हैं। अगर आपके सपोज, वैसे तो इतना छोटा जब आप एरिया करोगे तो दाने नहीं होंगे, इन केस आपके दाने हो भी जाते हैं तो एक आइस लेके फटाफट से अपनी स्किन पे आइस रब कर लिया करो अच्छे से, ठीक है। तो ये जिनको भी ये प्रॉब्लम है ये ट्राई करो, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और करने के बाद आप लोग वैसे करते नहीं हो बट कमेंट करना और मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा। और बहुत से लोगों से मेरे को ये बोलना है कि वो व्हाट्सएप पे मुझे बोलते हैं या कुछ भी कमेंट करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखो और लोग भी पढ़ सके, औरों को भी पता चले। तो ये ट्राई करो, यूज़ करो और इससे बेनिफिट उठाओ, और नेक्स्ट गुड टू बेस्ट की जर्नी में मैं कोई और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। तब तक चैनल देखते रहो, उसको प्यार देते रहो। एंड हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना भूल गई, जो मेरा वीडियो था ना न्यूड लिपस्टिक का, ट्रस्ट में आप लोगों ने थैंक यू सो मच इतना प्यार दिया है ना उस वीडियो को। आई डोंट नो कितने लोगों के मेरे को मैसेज आए हैं कि हाँ दीदी हमने भी, हाँ मैम हमने भी वो लिपस्टिक के शेड्स खरीदे। आप बहुत प्यार दिया आप लोगों ने उस वीडियो को, बस ऐसे ही प्यार देते रहना। मेरा काम यही है कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं। बाकी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना और हमेशा अपना बेस्ट देना। बाय।